हेलो फ्रेंड्स, कनाडा सरकार की तरफ से ट्रेवलर्स के लिए एक नई हदायतें जारी की गई हैं। उसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करने जा रहे हैं, क्योंकि ओमिक्रॉन के केसेस काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो इस वजह से नई हदायतें जारी की गई हैं। क्या है ये हदायतें, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करने जा रहे हैं। ये जो ऐलान है, ये जस्टिस ट्रूडो और प्रीमियर्स में जो मीटिंग हुई है उसके बाद किया गया है। फेडरल सरकार की तरफ से कनेडियन को खास तौर पे सलाह दी गई है कि अगर उन्हें कोई जरूरी काम नहीं है तो वो बाहर ना जाएं, क्योंकि सभी देशों में ओमिक्रॉन के केसेस काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो उनको अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, बिना काम के उन्हें ट्रेवल नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये जो चेतावनी है पहले मार्च 2020 में भी दी गई थी। प्राइम मिनिस्टर जस्टिस ट्रूडो और प्रीमियर में 90 मिनट की एक मीटिंग हुई है, जिसमें नॉन एसेंशियल ट्रेवल्स और के ऊपर डिस्कशन की गई है। और ये डिस्कशन इसलिए की गई है ताकि कोविड-19 के जो केसेस बढ़ रहे हैं उनको कंट्रोल किया जा सके। और हेल्थ मिनिस्टर की तरफ से भी ये कहा गया है कि जो कनेडियन अपने देश से बाहर गए हुए हैं उनको भी अपने वापस आने की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि देश से बाहर रहना उनके लिए रिस्की हो सकता है। तो कोविड-19 के केसेस को बढ़ने से हम खुद रोक सकते हैं, अपनी सेहत का ध्यान रखकर और पूरी हदायतों की पालना करके। सो इस खबर के रिगार्डिंग ज्यादा डिटेल में अगर आपने जानकारी लेनी है तो आप कनेडा की जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.cic.gc.ca, वहां से सारी जानकारी ले सकते हैं। सबको अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। और अगर आप हमसे बातचीत करना चाहते हैं, कनाडा के बारे में कोई जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे पीछे दिए नंबर 9882950 पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम आपकी हेल्प करना चाहते हैं। सो प्लीज अपनी सेहत का ध्यान रखनी है और कोविड-19 की पूरी जो इंस्ट्रक्शन होती है उनको फॉलो कीजिए। थैंक यू।